गुड मॉर्निंग जो कैसे हो सब। तो बेटा आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन करना। फैक्टर क्या होता है बेटा? किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन को जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन या नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, उसे हम वो जो हमारी प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। और वो जो अलग अलग टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं। तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं? फैक्टराइजेशन पे बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट पे क्वेश्चन किया था जिसका आंसर क्या आया था? एक्स की पावर 8-1। हाँ, तो आज हम सबसे पहले फैक्टर किसका ही सीखते हैं, हम उसी को रिवर्स करते हैं, उसी क्वेश्चन को एक्स की पावर 8-1 के फैक्टर करेंगे आज हम, और चेक करेंगे कि वो सवाल जहाँ से शुरू हुआ था क्या इसकी एंडिंग वहीं पे होती है, क्या ये भी उसी तरह कंटिन्यूड प्रोडक्ट में आता है। तो देखो बेटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4-2-1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि बेटा मुझे देखो इनमें से कोई तो आइडेंटिटी का यूज करना है, तो मुझे क्या दिख रहा है इसमें? मैं होल स्केयर तो है नहीं, तो लेकिन इसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन सकता है, क्यों? बीच में माइनस भी, और इसे मैं पावर 2 में दोनों को लिख सकता हूँ। अब मैं इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसे क्या लिख दूंगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरे पास क्या होगा? एक्स की पावर 4 ए और 1 क्या हमारा? बी। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? एक बार दोनों का सम और एक बार दोनों का डिफरेंस। क्लियर लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो, सॉरी, एक बार क्या लिखेंगे? दोनों का डिफरेंस, और एक बार क्या लिखेंगे? दोनों का सम। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब यही तो सॉल्व हुआ नहीं, ये तो और आगे सॉल्व हो सकता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? एक्स की पावर 2-2 और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर आपने आगे वाले टर्म को क्यों नहीं लिखा? तो बेटा यहाँ पे प्लस और प्लस वाली हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है फिलहाल। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये भी, अब ये a बन गया और ये b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार दोनों किस में आएंगे? प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो मैंने किसको लिखा? इस आगे वाले को लिख दिया प्रोडक्ट में, और जो पीछे वाला था वो तो मल्टीप्लाई में सेम का सेम रहेगा। क्लियर? अब क्या हो रहा है? अब मैंने देखा कि ये दोनों तो प्लस वाले हैं, इन पे तो कोई आइडेंटिटी काम नहीं करेगी, लेकिन एक्स की स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब दोबारा से यही प्रॉपर्टी देखो कितनी बार यूज हुई। एक बार हमने यहां यूज किया, दूसरी बार यहां, और अब तीसरी बार यहां होने वाली है। तो याद रखना, जब तक क्वेश्चन हो सकता है सोल्व आपको करते रहना है, जितना ज्यादा सोल्व हो सकता है आपको करना है। तो अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स की 4+1। बेटा इसे लिखने के चक्कर में इन्हें मत भूल जाना, ये साथ में प्रोडक्ट में लिखने जरूरी है, तभी तो सारे इसके फैक्टर बन पाएंगे। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक बार माइनस एक बार प्लस, और आगे जो दोनों बच गए वो ऐसे कैसे आ जाएंगे। देखो बेटा ध्यान करो, वो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट था, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की 4+1। तो देखो हमने कल क्या किया था इससे पहले वाले वीडियो में, कि जो इसका इसको सोल्व करते हुए हमने कहां पहुंचे थे हम? x की पावर 8-1 पे। और आप क्या हुआ? इसके फैक्टर करते करते वापस हम कहां आ गए? इसके कंटिन्यूड प्रोडक्ट के पास आ गए। तो ये सब क्या है? ये चारों क्या है? ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। क्लियर बेटा? देखते हैं अगला सवाल। तो आज हम ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरह के सवाल करेंगे, देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है और इसमें क्या गिवन है और मैं कैसे निकाल सकता हूं। इसमें देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास, a की पावर 4-1/b की पावर 4। तो आ गया होगा समझ में, बीच में माइनस दिख रहा है, पावर 4 वाले को तो पावर 2 में हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो सबसे पहले आपको, फिर आप सोचोगे सर ये तो इसके नीचे आ रहा है, तो इसका और आसान तरीका क्या है?
मैं इसे क्या लिख सकता हूं, माइनस वन बाई बी की पावर फोर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि वन की पावर फोर तो वन ही होता है, और वन की पावर फोर और नीचे बी की पावर फोर दोनों को मैं कंबाइन करके वन बाई बी की पावर फोर लिख सकता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लेता हूं लेट वन बाई बी इक्वल टू एक्स, मैंने क्या मान लिया वन बाई बी को एक्स। तो अभी क्वेश्चन कैसा बन गया हमारे पास, माइनस एक्स की पावर फोर, क्लियर। अब बन गया ना वैसे ही क्वेश्चन, तो अभी से क्या लिख सकते हैं, टू की पावर टू और माइनस एक्स की टू की पावर टू। देखो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब क्या होगा, एक बार दोनों प्लस में आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक बार दोनों माइनस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे दोनों मल्टीप्लाई में। अब इसे और मैं क्या कर सकता हूं, ये तो प्लस वाला तो होगा नहीं आगे, लेकिन ये तो आगे एक्सटेंड हो सकता है, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऐसे, तो एक बार दोनों प्लस में और एक बार है माइनस में, क्लियर बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो अब ये तो एक्स की फॉर्म में आ गया, हमारा क्वेश्चन तो ए और बी की फॉर्म में था, अब क्या करेंगे, अब वापस से हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और इसकी जगह रखूंगा तो वन बाई बी का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर क्या होता है हमारा, वन ही होता है, तो मैं इसे नीचे लिख देता हूं, और दूसरा क्या आएगा ए प्लस वन बाई बी और इन टू ए माइनस वन बाई बी, क्लियर बेटा। देखो इसको हमने क्या माना था, x माना था, लास्ट में जब आपका पूरा शोर हो जाए उस टाइम वापस से क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट इसमें कर देंगे हम, तो हमारा क्वेश्चन जिस फॉर्म में स्टार्टिंग में था उसी फॉर्म में लास्ट में हमें मिल जाएगा। अगर आप इसे 1 बाई बी मान के करते तो भी ये सोल्व हो जाता, लेकिन उसमें वो फ्रैक्शन करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो इट इज बेटर कि हम उसे और आसान मान के चले ताकि फैक्टर करने में हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। तो आ रहा होगा समझ धीरे धीरे, देखो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए चलेंगे हम, बिल्कुल यूज करना पड़ेगा, इन्हीं में से प्रॉपर्टी यूज होने वाली है हमारी, तो बिल्कुल ध्यान से काम करना है आपको। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3x की पावर 3y माइनस 243xy की पावर 3, हमें इस क्वेश्चन के क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो इसके फैक्टर्स में बेटा सबसे पहले देखो इनमें से जो कॉमन आ रहा है इनका जो HCF है वो तो हमें पहले बाहर लेना पड़ेगा, नहीं तो देखो आप इसमें क्या करोगे, आप अगर आप लगाना चाहोगे तो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही, ये भी नहीं लग रही, माइनस तो दिख रहा है बीच में, लेकिन ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में बन तो नहीं रहे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ न कुछ दोनों में ऐसी कॉमन चीज है जिसको अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो जो बचेगा उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिट हो जाएगा हमारा। तो देखो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसमें से कॉमन लेते हैं हम, कॉमन मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दोनों का उसे बाहर लेंगे हम। तो देखो 3 और 243, सबसे पहले मैंने यही होगा चेक करने का, मैं चेक कर लूं क्या ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, तो मैंने देखा 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। HCF के मामले में क्या होता है, HCF या तो सबसे छोटे वाला नंबर मिलेगा या उसका कोई फैक्टर मिलेगा, तो सबसे छोटे वाला नंबर ही चेक किया सबसे पहले मैंने, इसको डिवाइड कर रहा है इसको भी कर रहा है, तो ये दोनों का क्या आ गया HCF, तो सबसे पहले बाहर कौन आ गया 3, तो जो न्यूमेरिकल पार्ट था उसमें से तो कौन कॉमन आ गया 3। अब देखते हैं जो हमारे वेरिएबल पार्ट है, अब देखो x की पावर 3x, तो इनमें सबसे छोटे वाली जो पावर होती है वो बाहर आती है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 3, तो कौन बाहर आएगा 1 पावर वाला x बाहर आ गया। अब चेक करते हैं y में, इधर 1 इधर 3, तो कौन बाहर आ जाएगा y, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से मैंने इसको क्या ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया। अब अगर ये हमारे पास कॉमन आ गया तो देखते इसमें क्या बचा, जब इसको बाहर ले, देखो 3 में से 3 आ गया तो ये तो बचा ही नहीं, अब x की पावर 3 में से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x की पावर 2,
और वाई में से वाई आ गया तो यहाँ भी और कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस। अब 243 में से 3 बाहर लिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना बेटा इसको। क्या है ये इसका HCF है, ये इसका एक फैक्टर बाहर आया है, तो इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 81। क्लियर। अब देखो x में से x बाहर आया, कुछ भी नहीं बचा, y की पावर 3 में से y आ गया, तो इधर क्या बचा y की पावर 2। अब देखो ये तो x स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये तो नंबर बच गया और ये स्क्वायर में है, लेकिन हमें तो क्या था पीछे वाली पूरी टर्म स्क्वायर में चाहिए। तो अब इसे देखेंगे क्या ये स्क्वायर में बनता है, तो चेक करते हैं। ये जो बाहर है वो साथ के साथ चलता रहेगा x स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो मैं इसे लिख सकता हूं 9 स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर। अब देखो दोनों नंबर की पावर सेम हो तो उनके बेस अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर कॉमन आ जाएगी हमारे पास। तो देखो बेटा जो आपका पावर एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है वो बहुत सी जगह यूज होता है मैथ्स में, तो उस पे अपना बेस क्लियर करना बड़ा जरूरी है। देखो अगर आपका पावर एक्सप्रेशन का बेस क्लियर नहीं है तो आप यहीं फंस जाओगे, अब मैं क्या करूं। क्लियर है। तो यहां से क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर, और देखो दोनों की पावर क्या आ गई कॉमन, तो मैं इसे लिख सकता हूं 9y का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो अब बन रहा है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म बन रहा है कि नहीं, तो इसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम। ये क्या आएगा 3xy इनटू, एक बार दोनों ऐड होंगे और एक बार दोनों क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस में 9y और x माइनस में 9y। क्लियर। क्या किया, एक बार दोनों को ऐड कर दिया और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो अब इसके एक ये फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये, कितने फैक्टर आ गए इसके 3 फैक्टर आ गए हमारे पास। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सोच रहा है इसमें ऐसे मैं क्या बाहर निकालूं कि मेरी कोई तो प्रॉपर्टी यूज हो जाए, अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी यूज होगी तो आगे सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और आगे बड़ा आसान हो जाएगा इसको सोल्व करना। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और बेटा आप ऐसे क्वेश्चंस की जो भी आपकी बुक में आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं चाहे वो किसी भी पब्लिशर की हो किसी भी राइटर की हो, क्वेश्चंस लगभग सेम ही मिलते हैं सब में, तो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहें ताकि अलग अलग तरह की प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए और माइनस बी। अब देखो इस क्वेश्चन के अगर हमें फैक्टर्स करने हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं देखते हैं इसमें। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये सोल्व हो सकता है, ये बी स्क्वायर प्लस में ए इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, ए माइनस बी में भी हमें कोई प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रही है, तो सबसे पहले इसे क्या हम इतने पोर्शन को सोल्व करें क्योंकि आगे तो क्या है प्लस है, इसको तो बाद में हम इसमें प्लस कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व करते हैं। क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। क्या किया मैंने, इसमें जो मेरी प्रॉपर्टी दिख रही थी मैंने उसको लगा दिया और आगे क्या है प्लस में a और माइनस का b। क्लियर है। अब देखो अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो यही रहेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ये जो प्लस के बाद है क्या मैं इसे ऐसे ब्रैकेट में रख सकता हूँ, क्योंकि प्लस अंदर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा और प्लस माइनस के मल्टीप्लाई माइनस, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में ले लूँ तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमारे क्वेश्चन में बड़ी आसानी हो रही है। हमें क्या हो रही है आसानी कि मुझे दिख रहा है कि ये और ये दोनों में ये वाली चीज क्या है कॉमन है, और कॉमन है तो मैं उसे क्या ले लूंगा बाहर ले लूंगा दोनों में से। तो देखो इसमें से ये बाहर आ गया तो कौन बचा, ये वाला a प्लस में b, लेकिन यहां प्लस है तो क्या आएगा प्लस, लेकिन इसमें से ये बाहर आ गया तो क्या बचा जीरो, नहीं बेटा जीरो नहीं, हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई में क्या होता है वन, क्योंकि इसको मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या रहेगा यही रहेगा, तो इसके मल्टीप्लाई में मैंने क्या मान लिया वन था, तो यहां से अगर ये बाहर आ गया तो कौन बचा इधर वन। क्लियर है। इस स्टेप पे मार नहीं खानी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ आके गलती कर देते हैं, ऊपर से आपने सोल्व किया सही से प्रॉपर्टी का यूज किया, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है।
तो देखो अब हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए, इसके दो फैक्टर्स आ गए, क्लियर है। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से काम करना है आपको, टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरह की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर 16 माइनस y की पावर 16 प्लस x की पावर 8 और प्लस में y की पावर 8। देखो बेटा बड़े ध्यान से देखना, ये भी 2 की पावर में बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी, लेकिन हम कौन सा यूज करें ये आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ऑब्जर्व करना है सवाल को। ये नहीं कि सवाल दिखा और हमने सोल्व करना शुरू किया, बाद में सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। पहले हमारा प्राइमरी टारगेट ये होना चाहिए कि सवाल को पहले ऑब्जर्व करो, अगर इसमें मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसके बाद स्टार्ट करना। तो देखो यहाँ मैं प्रॉपर्टी ये वाली यूज कर सकता हूँ, यहाँ नहीं हो सकती यूज। क्यों क्यों नहीं हो सकती? आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर आगे होता वाई पीछे होता, हो जाएगी बेटा, लेकिन इसमें चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। और प्लस में तो कोई प्रॉपर्टी स्क्वायर में अभी हमारे पास है ही नहीं, तो अभी हम सबसे पहले किसे सोल्व करते हैं, इस आगे वाले पोर्शन को सोल्व करके देखते हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, क्योंकि मुझे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है 8 × 16, और इसे क्या लिख सकता हूँ y की पावर 8 की पावर 2, और आगे फिर पीछे वाले सवाल की तरह प्लस में है तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे और एक बार दोनों माइनस हो जाएंगे, क्लियर है। अब जो आगे था वो प्लस लिख के हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन बन गए, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में ले लूं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो x की पावर 8 प्लस y की 8 यहां भी है और x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 यहां भी है, तो दोनों में से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन। तो इधर कौन बचा, x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, और इधर कौन बचा, प्लस तो आएगा ही आएगा, कौन बचा बताओ, हाँ कौन बचेगा, 1। क्यों? क्योंकि इसके साथ तो मल्टीप्लाई में 1 था, तो देखो बन गए हमारे दो फैक्टर्स, क्लियर है। अब देखो आप बोलोगे सर यहां भी लगना है, अरे तो बेटा इसको तो सोल्व कर लोगे फिर आगे ये बचेगा हमारा, क्लियर है। तो इसको हम इधर तक ही छोड़ देंगे, हो गया फैक्टर्स की फॉर्म में। देखो जो भी है ये इसके दो फैक्टर्स है, क्योंकि ये दोनों किस में है, आपस में प्रोडक्ट में है। और फैक्टराइजेशन में क्या सिखाया था, कोई एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में उसे क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन, और जो जो अलग अलग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं, क्लियर है। तो आ रहा होगा धीरे धीरे आपको समझ, और आपको प्रैक्टिस करोगे और चीजें क्लियर होती चलेंगी, रुकना नहीं है बेटा, कंटिन्यू लगे रहना है हमें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 16। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें तो साफ साफ हमें प्रॉपर्टी दिख ही रही है या नहीं। तो क्या करेंगे, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और माइनस में 16। लेकिन अब क्या, ये तो लिख दिया लेकिन ये तो स्क्वायर में नहीं है, तो फिर हमें सोचना होगा ये स्क्वायर में कब बनेगा। तो इसको देखते हैं कब बनेगा ये स्क्वायर में, तो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। देखो अब इसको अगर आप मानो a कंप्लीट को मान के चलो, वैसे a प्लस बी है ये, लेकिन हमें कोई नंबर मानना होगा ताकि इस फॉर्म में आए ये। तो अगर आप इसे x का स्क्वायर माइनस इसको y का स्क्वायर मानते हो तो क्या होगा, x प्लस y इंटू x माइनस y। तो एक बार ये दोनों प्लस में होंगे और एक बार किस में होंगे, माइनस। तो a प्लस बी एक बार तो प्लस हो जाएगा 4, और a प्लस बी एक बार इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है। बिल्कुल ध्यान से काम करना है, टेंशन लेनी नहीं किसी भी तरह की, बस जो हमने सीखा उसी की प्रैक्टिस करनी है बार बार, क्लियर है। चलो देखते हैं एक और सवाल। तो अगला सवाल है बच्चों हमारा
फोर एक्स की पावर फोर प्लस वन। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है हमें। क्यों? क्योंकि देखो ना तो इसमें होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही और ना ही इसमें माइनस आ रहा। अब बोलोगे सर आपकी तो कोई प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, अब कैसे काम करेगा? तो बेटा देखो इसमें अब बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब भी आपको लगे इनमें से कोई प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही तो समझ जाना इसमें कुछ ना कुछ कमी है, और वो कमी को पूरा कौन करेंगे? हम। तो इसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे ताकि इसको हम बैलेंस करके सोल्व कर सकें। तो देखो अब आप बोलोगे सर आपने तो क्वेश्चन किया, आपको तो पता है कैसे सोल्व करेंगे, हम कैसे सोचे कि क्या जोड़े और क्या घटाएं? ये बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटा, और बिल्कुल आपको ही सिखाएंगे आपको कैसे सोचना है कि क्या जोड़ना और क्या घटाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां से हमें पता चलेगा कि क्या जोड़े और क्या घटाएं। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ टू की पावर टू, और इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर। लिख सकते हैं। अब देखो फिर से पावर कॉमन है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, टू एक्स का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन कैसा बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का बन रहा है, और अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल रहे हैं, अगर मैं इसमें टू ए बी को जोड़ दूं और टू ए बी को माइनस भी कर दूं तो क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। अगर मान लो मेरे पास सात है, इसमें मैं तीन जोड़ भी दूं और तीन घटा भी दूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? अब देखो ये कितना हो गया 10 - 3, अब भी कितना रहा 7, क्योंकि मैंने उतना ही जोड़ा और उतना ही क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड करना होगा, और क्या ऐड होगा वो हमें 2ab की फॉर्म का ऐड करना है। तो 2ab क्या बनेगा हमारा 2, a कितना है इसमें 2x का स्क्वायर और इनटू में 1, क्योंकि b क्या था हमारा 1, तो ये 2ab बन गया। अब देखो हमने 2ab ऐड तो कर दिया, सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इतना ही, तो कितना हो जाएगा 2 + 4, 4 + 4, तो हमारे पास हो जाएगा 4x का स्क्वायर। क्लियर? इतना ही मैंने जोड़ दिया और इतना ही मैंने क्या कर दिया इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया है। तो अब देखो कितने एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकता? बिल्कुल। तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस में 1, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, और माइनस में क्या हो गया 4x का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कुछ कुछ दिखने लगी है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे हम। तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस, इसे क्या लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर x स्क्वायर लिखेंगे। तो ये तो है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का बना कि नहीं बना, अगर ये बन गया तो इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस की फॉर्म में हम लिख देंगे। तो एक बार इनको ऐड करेंगे, किनको, इसमें इसको एक बार ऐड करेंगे और इसमें से इसको एक बार सबट्रैक्ट करेंगे हम। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस में 1, एक बार तो 2x ऐड हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 में से 2x माइनस हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे छोड़ेंगे तो लगेगा एक बार x स्क्वायर इधर है, x इधर है, बीच में कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हम इसे क्या करेंगे, आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी वेरिएबल की घटती हुई पावर, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो मैं इसे और अच्छा लिखने के लिए कैसे लिख सकता हूँ, मैं 2x को आगे ले आया और 1 को पीछे ले गया, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस का 2x आगे आ गया और प्लस का 1 पीछे चला गया। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए बेटा, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 और 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1। तो देखो इतने छोटे से सवाल के इतने बड़े बड़े फैक्टर बन गए हैं। तो चीजों को यहाँ नहीं दिख रहा था कि इतना छोटा सा सवाल इतने बड़े उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने पहला क्वेश्चन भी देखा था, x की पावर 8 माइनस 1 चार टर्म्स में आ गया था, वो चार फैक्टर्स में आ गया था। क्लियर है? तो छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ा धमाका करती हैं। तो आपको भी वैसे ही आज आप एक छोटी चीज है लेकिन बड़े होकर आपको एक बड़ा धमाका करना है, और उसके लिए इस टाइम की भी मेहनत बड़ी काम आने वाली है। क्लियर बेटा? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते रहा करो इनको, और प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब तक फंसेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं हम, तो आपको प्रैक्टिस करते जानी है बस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स जेड प्लस फोर जेड का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो इसमें x भी है, y भी है, z भी है, तो अब मैं किसका कॉम्बिनेशन बनाऊं? तो कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, जहां पे ए बी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं ए बी? तो कॉम्बिनेशन किसका बना था, ए और बी का ही तो बना था। तो कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, x और z का। तो मैं इस y को पीछे लिख देता हूं, इसको आगे लिख देता हूं, इसे मैं ये लिख सकता हूं, ये क्या है मेरा 4xz, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर z का स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर। देखो बेटा साइन का ध्यान रखना है, ये माइनस का था इधर माइनस का ही है, ये भी माइनस का है, z वाला प्लस का था और x वाला भी प्लस का। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 4xz और प्लस 2z का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर। लेकिन ये तो a स्क्वायर दिख रहा है, ये b स्क्वायर दिख रहा है, ये तो 2ab की फॉर्म तो नहीं दिख रही, तो इसको 2ab की फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू a कितना x और इंटू में b कितना 2z और प्लस में 2z का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। देखो अब दिख रहा है 2 2 4 x इंटू z x z ये बन रहा है, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमारी, a माइनस b का होल स्क्वायर यूज हो रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्लियर है कि नहीं, लिख सकते हैं। और आगे क्या बचा, माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वापस से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो क्या होगा, एक बार तो इसमें y ऐड हो जाएगा और एक बार इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहां भी क्या हो रहा है, x के बाद z फिर y, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसे कैसे किस क्या करते हैं, y को आगे आगे ले आते हैं और z वाले टर्म को पीछे कर देते हैं। तो x प्लस वाई माइनस टू जेड और ये आ गया x माइनस वाई माइनस टू जेड, तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो बेटा प्लीज प्रैक्टिस करते रहें, अलग अलग तरह के सवालों की प्रैक्टिस करें, और कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज बताएं, ताकि उसके हिसाब से और क्वेश्चंस करवाई जा सके। तो इस जो भी आज क्वेश्चन हमने की इस वीडियो में, उनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, उस तरह के सवालों को प्रैक्टिस करना है, और खूब मेहनत करके अपना काम आगे बढ़ाना है। थैंक यू मेरे बच्चों।